फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि थायराइड में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। थायराइड का जो थायराइड हार्मोन है वो बनता है आपके आयोडीन से। सो अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की ही कमी हो, मान लीजिए किसी कारणवश आयोडीन नहीं है आपकी बॉडी में, नहीं बन रहा है आयोडीन, सो उसके वजह से क्या हो जाएगा, उसके वजह से थायराइड हार्मोन बनाने का सबस्ट्रेट नहीं होगा, थायराइड हार्मोन कम बनेंगे। सो आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज हाइपोथायराइड। सेकेंड, थायराइड में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, कोई डैमेज, कोई ट्यूमर, कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए थायराइड ग्लैंड में डैमेज हो जाए। हॉशिमोटो थायराइडाइटिस, थायराइडाइटिस कॉजेज थायराइड डैमेज। नाउ थायराइडाइटिस इनिशियल स्टेज में जब होगा तो दोनों चीज़ें कर सकता है, एक थायराइड को हाइपर स्टिमुलेट कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, इन्फ्लामेशन कर सकता है, तो दोनों चीज़ें हो सकती है। टेम्पररीली आपका थायराइड TSH लेवल्स बढ़ सकते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद में TSH लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, ऐसा भी होता है। सो आपके TSH, T3, T4 लेवल पे पता करते हैं कि आपका क्या स्टेटस है। आप यू थायराइड है, व्हाट इज यू थायराइड? यू थायराइड मीन्स थायराइड हॉर्मोन्स आर नॉर्मल, सो योर सिस्टम इज वर्किंग फाइन। यू थायराइड, ई यू, एंड देन देर इज हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड विच इज द टॉपिक फॉर टुडे इज लो लेवल्स ऑफ T3, T4, दैट मीन्स यू हैव हाइपोथायराइडिज्म। देन देर इज हाइपर थायराइड। हाइपर थायराइड मीन्स आपका T3, T4 बहुत हाई है, दैट मीन्स थायराइड हॉर्मोन। सो दिस इज द आइडिया ऑफ हाइपो, हाइपर एंड यू थायराइड। कई बीमारियों के चलते आप, जरूरी नहीं है कि आपको दवाई चलनी पड़ेगी, अगर आप यू थायराइड स्टेट में है तो आपको थायराइड यानी हॉर्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत नहीं है। मीनवाइल उसी के साथ आपके बॉडी में थायराइड डाइटिस चल रहा हो सकता है, थायराइड ग्लैंड डैमेज हो रहा हो सकता है, राइट? मीनवाइल सिर्फ थायराइड डाइटिस जैसी चीज नहीं है, एक एक तो चीज है हैशिमोटो थायराइडाइटिस, एक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, एक होता है अपना ग्रेव्स डिजीज, एक होता है प्लेन सिंपल गॉइटर। गॉइटर क्या है? गला बड़ा हो जाना। गला जब बड़ा हो जाता है उसे गॉइटर कहते हैं, और गॉइटर होता है हाई TSH की वजह से, बिकॉज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायराइड को ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट करता है, और ग्रो 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 वो बड़ा हो जाता है। सो दैट्स द आइडिया अबाउट द बेसिक डिजीजेस। अब याद रखिए दो तरीके की डिजीज, हाइपो और हाइपर। हाइपर में आपकी सारी सिस्टम हाइपर ड्राइव में चले जाएगा, एवरीथिंग इज एक्सेलरेटेड, एवरीथिंग इज वर्किंग ब्रर, तो ब्रर होगा तो थूक सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका बॉडी के सारे सिस्टम खराब होंगे, शुगर लेवल लो हो सकता है, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, राइट? एंड हाइपो होगा तो ऑपोजिट, कॉन्स्टिपेशन होगा, सब कुछ स्लो चलेगा, एवरीथिंग स्लो, एवरीथिंग स्लो, एंड यू हैव कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, नींद ज़्यादा आ रही है, उठने का मन नहीं कर रहा है, सब ताकत नहीं है, मोटे हो रहे हो, फैटनेस जमा हो रहा है, फैटी है, मोटे, सो इट्स, तो एवरीथिंग, किसी चीज़ को करने का मन नहीं कर रहा। सो हाइपोथायराइड है तो हमें लेना पड़ेगा थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, हाइपर थायराइड है तो हमें लेना पड़ेगा एंटी थायराइड मेडिकेशन, एंटी थायराइड कार्बिमेजोल, ऐसी मेडिसिन्स आती हैं, राइट? जो कि एंड थायराइड को, एंड थायराइड की हार्मोन की सिक्रीशन कम करती है, राइट? सो ये हुई बात थायराइड की डिजीजेस की। अब